हेलो दोस्तों भाई, कैसे हो? एक और नए वीडियो के साथ। तो भाई आज मैं आ चुका हूँ एक नया अनबॉक्सिंग एंड माइक वायरलेस माइक के साथ। दोस्तों मैं आज जो भी एक यूट्यूबर होते हैं या कोई ब्लॉग बनाते हैं, यूट्यूबर होते हैं या इंटरव्यू देते हैं ऑनलाइन, तो भाई बात करें आज हम कि भाई उनके लिए जो बेस्ट माइक होता है वो भी वायरलेस का, एंड जो प्राइस की बात करें सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट माइक आपके लिए कौन सा हो सकता है, वो भी वायरलेस दोस्तों, केबल वाला नहीं, वायरलेस। तो भाई वीडियो पर बने रहें, आपको मैं आपको ऐसा दिखाऊंगा भाई कि आप भी रूब रूब हो जाओगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना, पसंद आए तो लाइक ठोक के कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा रोज वीडियो आपको मिलता रहे। आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, आप उस चैनल पर चैनल को भाई सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज टेक्निकल का टिप्स, कंप्यूटर का टिप्स, आपको सोशल मीडिया का नया नया अपडेट्स, साथ में बात करें आपको नया नया टिप्स एंड इस चैनल पर आपको रोज सीखने को मिलता रहता है। तो भाई चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्यों ना टाइम ज़्यादा समझाते दोस्तों। यहाँ पे सिंपल से मैं आपको दिखा दूँ, हमारे पास है आज वायरलेस माइक भाई। तो वायरलेस माइक है दोस्तों, आप लोग इसका यूज कैसे कर सकते हो, चलिए भाई मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। पहले मैं आपका करूँगा अनबॉक्सिंग। तो भाई मैंने अपने मार्केट से अभी इसको लेके आया भाई, इसका प्राइस मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ भाई, बहुत कम प्राइस है। तो भाई यहाँ पे एक माइक लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इस माइक की कीमत शायद आप लोग को नहीं पता, इस माइक की कीमत है 750 रुपये, 750। लेकिन इस माइक का अगर हम यूज करें दोस्तों, ये माइक आपको दिख रहा है, साथ में ये माइक, दोनों सेम माइक है। लेकिन भाई बात करें इसका जो मॉडल है कुछ अलग मॉडल है एंड इसका मॉडल अलग है भाई, ये थोड़ा महंगा है। लेकिन बात करें भाई वॉइस की तो दोनों की सेम वॉइस है भाई, ये महंगा है लेकिन वॉइस की बात करें तो भाई सेम वॉइस तो मिलती जुलती है मेरे भाई। तो भाई चलिए क्यों ना इसको स्टार्ट करते हैं। आप लोग को यार देरी हो रही भाई कि हाँ जल्दी से इसका अनबॉक्सिंग कर दें भाई। तो इसको मैं सबसे पहले इसको यहाँ से निकाल देता हूँ ताकि यार आपको दिखाई दे अच्छे से। तो भाई मैं इस बॉक्स को करता हूँ ओपन। तो भाई यहाँ पे मैं आपको कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ भाई, इसमें सुना रहा हूँ भाई। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके दोस्तों। तो ये है दोस्तों, मैंने अनबॉक्सिंग किया, मैंने इसको ओपन किया। ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये है माइक, इसको बोलते हैं वायरलेस माइक दोस्तों। भी जो ये एक यूट्यूबर होते हैं, एंड बात करें एक यूट्यूबर तो होते हैं साथ में, जो एक ब्लॉगर होते हैं साथ में, ऑनलाइन कुछ काम करते हैं, इंटरव्यू हो गया एंड अदर आप कोई काम करते हैं ऑनलाइन, इसमें आपको वायरलेस माइक लगाने की आवश्यकता होती है भाई, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी मस्त है ये भाई। चार्ज होता है जो, उसमें केबल लगती है, चार्जिंग पिन वो भी सी टाइप मिलती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी चार्जिंग पिन, साथ में इसकी चार्जिंग पिन आपको कुछ इस प्रकार की नज़र आ रही है भाई, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, काफ़ी ज़बरदस्त माइक भाई। उसके साथ बात करें ये तो माइक आपका है भाई, जो कनेक्टर है जो मोबाइल में कनेक्ट होता है वो सी टाइप को आपको यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो भाई। इसको कनेक्ट करने के बाद अपने भाई मोबाइल की सेटिंग में जाओगे, ब्लूटूथ की सेटिंग में जाओगे, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जिसका नाम है OTG कनेक्शन। तो उसको ऑन करने पर जैसे आप इसको लगाओगे अपने मोबाइल में, लगाने के बाद जस्ट अपने मोबाइल के OTG कनेक्शन को ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बटन नज़र आएगा, यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पर बटन को ऑन करने पर दोस्तों यहाँ पर ये रेड यानी कि कनेक्ट रहेगा तो ब्लू जलेगा, एंड कनेक्ट नहीं रहेगा तो भाई रेड लाइट जलेगा, वो भी एक बार जलेगा बंद होगा इस प्रकार। लेकिन कनेक्ट हो जाएगा तो ब्लू लगातार जलती रहेगी, जैसे यहाँ पे जल रही भाई, आप लोग को शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा, यानी कि दूर भाई वीडियो ना, इसलिए नहीं दिख रहा होगा आपको। लेकिन बात करें भाई इसमें आपको एक चीज़ और मिलता है जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आपको आईफोन का आप कनेक्टर मिल जाता है, आप इसको आईफोन में भी यूज़ कर सकते हो। साथ में बात करें भाई इसको आप लैपटॉप या पीसी में भी इसको यूज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपको कनेक्टिंग यानी कि USB आपको सी टाइप का मिल जाता है, USB आपको सी से आपको मिल जाता है, आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर में आप लगाते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस प्रकार। लेकिन आपको ये नहीं मिलता दोस्तों तो कैसे मिलेगा, आप इसको अलग से परचेस कर सकते हो, मीशो से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी इसको परचेस कर सकते हो, इसको अपने लैपटॉप या पीसी में आप लगाकर अच्छे से यार वीडियो बना सकते हो। तो भाई ये था कुछ माइक का अनबॉक्सिंग, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ इसके कुछ मॉडल्स, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये है इसकी जन्म कुंडली, यहाँ पे आप लोग देख लो मेरे भाई, ये कुछ इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे, इसको पढ़ के हम लोग अपना मोबाइल में लगाते हैं एंड इसको ध्यान से आप लोग पढ़ें, इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी होती है, मैं आपको जल्दी से भाई बता देता हूँ कैसे लगाना है। इसमें सारा फंक्शन दिया होता है, आप इसको देख कर लगा लीजिएगा, नहीं पता। लेकिन भाई बात करें जो मॉडल है इसका, माइक का मॉडल है, आपको मिल जाएगा MK08 आपको मिल जाता है। तो भाई अगर आपके मार्केट में नहीं मिलता तो आप इसको मीशो से या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। लेकिन भाई बात करें यार इसके प्राइस की, तो भाई प्राइस वो भी आपके मार्केट में मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ये ऑनलाइन आपको मिलेगा 300 का 100% मिल जाएगा भाई,
तो यहाँ पे जो मैंने माइक लगा रखा है एंड इसकी कीमत से भाई काफ़ी फ़र्क है। लेकिन भाई वॉइस की बात करें तो वॉइस दोनों की सेम है, तो भाई क्यों ना हम इसी माइक का यूज करें जो 300 का मिल रहा है भाई। तो चार्जिंग की बात करें, अगर आप इसको एक बार चार्ज कर लेते हो मेरे भाई, तो ये आपको 24 घंटे आप यानी कि वीडियो चाहे जैसा वीडियो बनाओ एक बार चार्ज करने पर, तो भाई आप इस प्रकार माइक को चार्ज कर काफ़ी देर तक यूज कर सकते हैं, 24 घंटे आसानी से इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। या आप इसमें ये भी दिया गया जिससे आपके यहाँ पे भाई वाइड यहाँ पे आप लोग देख रहे हो वायरलेस कंपेटिविटी यानी लाइव के लिए, जैसे लाइव कोई शो है कहीं पर आप लाइव, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइव इंटरव्यू, अगर आप लाइव इंटरव्यू दे रहे हैं उसके लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड शॉर्ट ब्लॉग, अगर आप कोई शॉर्ट्स या लॉन्ग ब्लॉग वीडियो बनाते हो उसके लिए भी ये माइक आपके लिए काफ़ी जरूरी है भाई। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करना, शेयर करना, ताकि आपको ऐसा रोज वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, दोस्तों जय हिंद, लेकर अपना ख्याल रखना।